नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मायावती की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस हर हाल में मायावती को इंडिया अलायंस से जोड़ना चाहती है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी भी या नहीं। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने बसपा को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही नहीं, अगर बसपा आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। अब बस मायावती की हां का इंतजार है। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की ताकतवर नेता है। भले ही विधानसभा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा होगा, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो बड़ी नेता है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस, उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सपा चुनाव में बसपा को 25 से 30 सीटें दे सकती है। सपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे वो ये दलील दे सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो अभी भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मायावती इस पर राजी होंगी ये कहना फिलहाल अभी मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक सपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बसपा को 25 से 30 सीटें देने को राजी हो सकती है। वहीं कांग्रेस 10 और रालोद को 5 सीटों पर लड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपा ने यह आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए लिया है। हालांकि मायावती 2019 के चुनाव के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, क्योंकि तब बसपा ने सपा से दोगुनी सीटें पाई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती भी समझ गई हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका फायदा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो फिर से सपा के साथ जाती हैं तो पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकती हैं। कांग्रेस और सपा का रुख भी इस पर नरम है। देखना होगा कि वो अपने जन्मदिन पर आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।